अस्सलाम वालेकुम। बारिश के मौसम में सबको पकोड़े खाने का मन करता है, भज्जा खाने का मन करता है, वो मौसम ही कुछ अलग है गाइस। तो आज मैं आपके साथ ले आई हूँ एक नई रेसिपी, कांदे के भजिया। और चलो आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करती हूँ, मेरी मम्मा बना रही है आज, तो आप अच्छे से देख लें, एकदम गाँव स्टाइल में और जैसे बनते आ रहा है वैसा बनाती हैं वो। पहले ऑनियंस को कट करके वॉश कर लेना है पानी में डाल के, उसके बाद इसे कट करना है ऐसे, भजिया के लिए ऐसे कट करते हैं गाइस। देखो मेरी मम्मा जैसे कट कर रही हैं। और फिर थोड़ी सी ग्रीन चिलीज कट करना है इसमें, जिससे टेस्ट और अच्छा आता है। उसके बाद थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स कट करना है, जिसे हम कोथमीर कहते हैं, वो थोड़ा सा कट करना है। धनिया पत्ती, फिर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी, अ पिंच ऑफ सोडा और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। जैसा आपको टेस्ट चाहिए, या कम नमक खाते हो या ज़्यादा, वैसा आप डाल सकते हो। फिर बेसन डालना है, यहाँ पर मैंने 2 कप्स बेसन डाला है। फिर अच्छी तरीके से पहले ड्राई मिक्स कर लेना है, फिर थोड़ा सा वाटर ऐड करना है आपको, और फिर अच्छे से और थोड़ा सा मिक्स करना है। गाइस बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, मैं तो जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है मम्मी को बोलती हूँ बनाओ शाम के टाइम, और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। फिर आपको एक कढ़ाई में ऑयल हीट करना है, और देख रहे हो आप मम्मी कैसे डाल रही हैं ऐसे बना बना कर, आपको एकदम हीट होने के बाद ऑयल डालना है पकौड़े भजिया। थोड़े टाइम में ये बनने वाले हैं और गर्मा गर्म चटनी के साथ हम खाएंगे, बहुत एक्साइटेड हैं। चलो चटनी भी हम घर पर ही बनाए हैं, थोड़ा टाइम हो गया, और ये है इमली की चटनी, जो खटाई और खजूर और इमली वगैरह डाल के बनती है, अभी मम्मी ने बनाया। अगर रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये रेडी हो चुका है, मैं सर्विंग प्लेट में इसे निकाल ले रही हूँ, और इसे गर्मा गर्म खाएं चटनी के साथ डिप करके, बहुत ज़्यादा ऑसम लगता है गाइस। कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, कि मैं आपके साथ ऐसे ऐसे वीडियो लाती रहूं। अल्लाह हाफिज़।